We are going to read literature of class 1. This is your chapter 4 and the name of chapter Hariyar. Okay, I have written a whole poem on the board. Okay, first of all I am going to read this poem, then I will explain the poem. Okay, in this poem in each line there are some hard words. I have written with their Hindi meaning. Okay, let's begin. School is waiting, can't be late. Hurry, hurry, it is 8:30. Out of the door and down the street, then softly, quietly, take your seat. Okay? In the second line, the meaning of late is, that means there. Hurry means jaldi. 8:30, that means 8:30. Okay? Door means darwaja, step means gali, quietly means chupcha, and take means lena. Okay, let's understand. Okay, school is waiting, can't be late. Yani ki koi kisi ka school hai, aap log ka school, kisi ka school khul gaya hai. Uske bare mein ki school khul gaya hai, aur school khulne ke baad kya karta hai? School wait karta hai. Usme aap log jaise bacche us school mein aaye, hum log bhi wait karte hai ki aap log jaise school khule, to aap log jaise bacche aap log hamare school mein aaye padhe, hum log wait karte hain. To hum log wait karte hain, school bhi wait karta hai. Yahan par poem mein bas bol bataya ja raha hai ki school kya kar raha hai, wait kar raha hai. Can't be late. Late मत होइए, देर मत कीजिए, आप लोग स्कूल आ जाइए on the time, okay? हरी हरी, it is 8:30. जल्दी करो, मतलब जल्दी जल्दी करो, क्योंकि it is 8:30, क्योंकि स्कूल का टाइम होने वाला है. अभी 8:30 हुआ है, आप लोग का स्कूल हो सके तो 9 बजे से स्टार्ट होने वाला है इसमें. तो क्या हो, इसलिए वो बता रहा है कि हरी हरी जल्दी करो, अभी 8:30 हो गया है. ओके, आउट ऑफ द डोर एंड डाउन द स्ट्रीट, दरवाजे से बाहर निकलो एंड स्ट्रीट में आओ, गली में आओ, यानी गली में आओ. ओके, देन सॉफ्टली क्वाइटली टेक योर सीट, और चुपचाप, यानी कि तुम्हारे स्कूल बस से आते हो, जैसे बस इमेजिन स्कूल को, स्कूल बस से आते हो तो तुम्हारी गली में, तुम्हारे स्ट्रीट में स्कूल बस आती है, वैन आती है. उसमें क्या बताया गया है कि तुम आओ, धीरे धीरे गली में आओ, दरवाजे से बाहर आओ, गली में आओ, और चुपचाप और धीरे से जाकर के अपनी सीट को ले लो. ओके, क्योंकि बस में हम लोग को किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, आपस में सीट के लिए झगड़ा नहीं करना चाहिए, और हम लोग को अपना सीट पर बैठ जाना चाहिए. ओके, इसमें बताया गया क्या कि स्कूल खुल गया है, स्कूल में सारे बच्चों को बुलाया जा रहा है. तो बुलाने के लिए क्या होता है कि स्कूल सारे बच्चों का वेट कर रहा है, यानी स्कूल इज वेटिंग, स्कूल आप लोग का वेट कर रहा है. कांट बी लेट, आप लोग लेट मत होइए, मतलब लेट नहीं किया जा सकता. हरी हरी जल्दी करो, इट इज 8:30, क्योंकि 8:30 बज चुका है. आउट ऑफ द डोर एंड डाउन द स्ट्रीट, यानी कि दरवाजे खोलकर बाहर आओ, एंड डाउन द स्ट्रीट, और गली से होते हुए, देन सॉफ्टली एंड क्वाइटली तुम्हारे अंदर स्कूल के बस आ गया, और उसमें चुपचाप जाओ एंड टेक योर सीट, अपने सीट को ले लो. ओके स्टूडेंट, दिस वाज आवर चैप्टर. ओके, इन दिस चैप्टर यू विल हैव टू राइट सम रेमिंग वर्ड्स. ओके, एंड राइट द नेम ऑफ योर स्कूल नेम, योर प्रिंसिपल नेम, योर क्लास टीचर नेम. ओके, योर होमवर्क इज डू इट एंड रीड दिस पॉइंट. Remember these word meanings and watch this video again. Okay, thank you. Have a nice day.